Hello students, I am your math teacher. Today we'll discuss about class 10 NCERT lesson Introduction to Trigonometry. This is part 10 video. In this video, we'll discuss about trigonometric ratios of some specific angles. में हम देखेंगे trigonometric ratio of 0 degree. Okay, अब हम 0 degree देखेंगे. So अब 0 degree में आप देखो क्या करना होगा. Again यहाँ पर भी हमें right angle triangles चाहिए. तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल्स क्रिएट किया है. ओके, यहाँ पर देखो ए बी सी है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल्स क्रिएट किया है. यहाँ पर एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल थीटा है. ओके, यहाँ पर एंगल ए को मैंने मेंशन किया है थीटा है, क्योंकि इसको थीटा को कन्वर्ट करना है हमें 0 डिग्री में. सबसे पहले तो यहाँ पर यह एंगल ये हमारा थीटा हुआ. तो यहाँ पर ये क्या होगा, बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस होगा. तो ओके, सो देखो यहाँ पर मैंने ये मेंशन करके रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव एंगल ए सॉरी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू थीटा है. अब क्या होगा, बीसी डिग्रीज एज थीटा डिग्रीज. ये बीसी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ये बीसी क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स ये जो लाइन से यहाँ तक आएगी, ये बीसी डिक्रीज हो जाएगा इस तरह से. मान लो कि ये इस तरह से ओके तो ये लाइन है इस तरह से, ये एंगल से, तो ये इस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है. ओके, ये देखो राइट एंगल से तो ये क्या होगा, ये बीसी स्ट्रेट लाइन डिक्रीज हो जाएगा. तो ये एक ही लाइन पर आ जाएगा. जब ये एक ही लाइन पर आ जाएगा तो एंगल्स क्या बनेगा, जीरो बनेगा. मतलब ये वाला तो बीसी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, थीटा आल्सो विल बी डिक्रीज. ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो फाइनली थीटा बिकम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा. और ये जो पॉइंट सी है, कौन साइड होगा, पॉइंट बी पर. तो पॉइंट सी कौन साइड विद पॉइंट बी. ओके, अब यहाँ पर हमें ये क्या मिला है, जीरो डिग्री मिला है. मतलब जीरो डिग्री थीटा के यहाँ पर क्या मिला है, जीरो डिग्री मिला है. ओके, सो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो ये जीरो डिग्री मिला है, तो अब इससे हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे. अब देखो यहाँ पर ये थीटा है, तो यहाँ पर मेंशन कर लेता है. अब रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, रेशियो फाइंड आउट करना है, तो अब देखो रेशियो फाइंड आउट करना एक बार ध्यान में रखना. जब ये सॉरी ये बीसी डिक्रीज हुआ है, एसी क्या आ रहा है, कौन सा सॉरी पॉइंट सी कौन सा पॉइंट बी. तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर टू क्या मिल जाएगा, आपको एसी मिल जाएगा. ये ए बी स्क्वायर टू क्या मिलेगा, एसी मिलेगा. यहाँ पर मैंने मेंशन किया है बीसी क्या होगा, जब पूरा डिक्रीज हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा. बीसी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा. नाउ एसी स्क्वायर टू ए बी, मतलब ये पॉइंट सी बी पर कौन साइड हो रहा है, मतलब ये सेम हो जाएगा. तो ए बी इक्वल टू एसी मिल जाएगा. तो एसी इक्वल टू ए बी मिला, मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू बेस मिला है. ओके, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में, ये ट्रायंगल एबीसी में थीटा क्या रहेगा हमारा, अब जीरो डिग्री होगा. ओके, सो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, ये मेंशन कर लेता. नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में अब क्या होगा, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में ओके एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू क्या है आपका, थीटा है इज इक्वल टू ये होगा आपका जीरो डिग्री. एंगल है आपका थीटा था, हमने इसको जीरो डिग्री बना दिया है. नाउ वन बाय वन अब इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्या है, साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री. तो साइन जीरो डिग्री मतलब साइन का क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. ओके, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर ये बीसी है, तो बीसी यहाँ पर बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर एसी है. तो बीसी कितना मिला आपको, जीरो मिला, जीरो बाय एसी क्या है यहाँ पर देखो, एसी एसी कोई वैल्यू नहीं है, सेम रहेगा. तो ये जीरो बाय एसी मीन्स क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा. जीरो बाय एसी मीन्स क्या होगा, जीरो. न्यूमरेटर में जीरो, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, समझ में आए. नाउ सेकंड देखो, सेकंड क्या होगा आपका, कॉस जीरो डिग्री. कॉस क्या होगा, ये जीरो डिग्री. तो क्या है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस. अब बेस क्या है यहाँ पर, बेस क्या है यहाँ पर देखो, ए बी है, तो ये ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी है. हाइपोटेनियस क्या है, एसी है. अब देखो ए बी एंड एसी, एसी इक्वल टू ए बी, दोनों इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएंगे. मतलब ये क्या होगा, इसका आंसर आएगा वन आ जाएगा. वन बाय वन मीन्स क्या होगा, वन आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है. ध्यान में रखना यहाँ पर दोनों इक्वल है. नाउ अब थर्ड देखेंगे, टेन, टेन जीरो डिग्री. टेन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, यहाँ पर परपेंडिकुलर है बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ये एसी, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बेस क्या है यहाँ पर, ए बी.
यहाँ पर देखो बीसी, बीसी क्या है यहाँ पर जीरो है, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, तो बीसी क्या है यहाँ पर जीरो है, ओके। और हाइपोटेन्यूस वाली बेस क्या है एबी, तो ये एबी हो जाएगा। अब जीरो बाय एबी मीन्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर भी कुछ भी रहने दो आपका क्या हो जाएगा, जो अगर न्यूमेरेटर में अगर जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा। नाउ अब आपको देखो फोर्थ, फोर्थ क्या है यहाँ पर, फोर्थ में आपको सॉल्व करना है कोसेक जीरो, कोसेक जीरो डिग्री, कोसेक जीरो डिग्री। अब कोसेक का रिवर्स मान चलते लेकर आएंगे यहाँ पर साइन से, फिर से यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है, तो क्या होगा कोसेक में हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर आपका, हाइपोटेन्यूस से एसी है, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बीसी है। तो एसी कितना है आपका, एसी कुछ भी वैल्यू देकर नहीं है, ओके। और बीसी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बीसी की वैल्यू जीरो है, ओके। तो ये पॉसिबल है क्या, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं रहता, मींस क्या होगा ये नॉट डिफाइंड, डिफाइंड है क्या, नॉट डिफाइंड, ओके। नाउ फिफ्थ देखेंगे, कोसेक के बाद क्या आएगा सेक जीरो डिग्री, सेक जीरो डिग्री। अब ये सेक किसका है, इसका उल्टा है, मतलब कोसेक पर बेस पर हाइपोटेन्यूस, तो क्या होगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस क्या है आपका एसी है, और बेस क्या है यहाँ पर एबी है, ओके। अगेन यहाँ पर देखो एसी एंड एबी, एसी एंड एबी क्या इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर आपको वन मिलेगा, ओके। नाउ अब लास्ट देखो यहाँ पर, लास्ट क्या है यहाँ पर, इसका क्वाड जीरो डिग्री, क्वाड जीरो डिग्री। अब इसका उल्टा टैन का है, तो परपेंडिकुलर ऑफ बेस है, तो ये क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है यहाँ पर बेस है एबी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बीसी है, तो एबी तो देखा नहीं है, तो एबी वैसे ही रहेगा, और बीसी क्या है यहाँ पर आपका जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो रहेगा नॉट जीरो, जीरो रहता है क्या, पॉसिबल नहीं, मींस क्या होगा ये नॉट डिफाइंड होगा, ये क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा रेशियो मिल जाएगा, यहाँ पर जितना रेशियो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है, जस्ट आपको डायग्राम ध्यान में रखना है, बस यहाँ पर स्टेप डायग्राम, मतलब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये बीसी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो थीटा भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, थीटा डिक्रीज होकर जीरो डिग्री बन जाएगा, फिर हमको इसके रेशियो फाइंड आउट करने को मिलेंगे, ओके। तो इस तरह से हमने इसके पूरे रेशियो फाइंड आउट कर लिए, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जीरो डिग्री यहाँ पर पूरा फाइंड आउट हो चुका है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।